हाँ तो मेरे यार हो, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अलीसा वही सब सोच रही होती है जो कि उसने ड्यूक को कहा था। इस पर अब नेक्स्ट सीन में गिल कह रहा होता है, क्या तुम आज क्लास स्किप करना चाहती हो? इस पर अलीसा कहती है, नहीं मैं क्लास लूँगी, शिपिंग का मतलब होगा टाइम को वेस्ट करना। और अब ये क्लास में एंटर करती है और बोलती है सभी को गुड मॉर्निंग। इस पर लिस कहती है, अलीसिया चैन। और एल्बर्ट कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर अलीसिया बोलती है, आज से मेरा इस क्लास में ट्रांसफ़र हुआ है, लोअर ग्रेड की क्लासेस बहुत आसान थी और उससे तो मैं बहुत बोर हो गई, पर मुझे लगता है कि हायर ग्रेड की क्लासेस काफ़ी अच्छी होगी। और मन में कहती है, ये सब झूठ है, मैंने इनके लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। इस पर सारे प्रिंस अलीसिया पे गुस्सा हो जाते हैं और लिस कहती है, रुक जाइए सब। हाँ उनके बोलने का तरीका भले ही थोड़ा बुरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप सभी उनके साथ ऐसे पेश आएंगे। और बोलती है, अलीसिया डियर मैं बहुत खुश हूँ कि अब हम क्लासमेट्स हैं। इस पर अलीसिया इसे इग्नोर करके अपनी सीट पे बैठ जाती है और ड्यूक की तरफ देख के थोड़ा उदास हो जाती है। इस पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लास ख़त्म हो गई होती है और ये होता है इनका लंच टाइम और सारे स्टूडेंट्स क्लास से बाहर जा रहे होते हैं। तब एलिस आके कहती है, अलीसिया चैन क्या आप साथ में लंच करना चाहेंगी? इस पर अलीसिया कहती है, नहीं शुक्रिया, और मुझे तुमसे दोस्ती करने का कोई मन भी नहीं है। इस पर लिस बोलती है, लेकिन मैं चाहती हूँ हम और अच्छे दोस्त बने। इस पर अलीसिया बोलती है, क्या तुम कभी नहीं सीखोगी? इस पर लिस बोलती है, मुझे बस आपसे दोस्ती करनी है, मैं चाहती हूँ कि मैं और आप अच्छे से एक दूसरे को समझ सके, बस और कुछ नहीं। इस पर अलीसिया खुद से कहती है, ये हमेशा दोस्ती करने ही आ जाती है, आखिर मैं इसका करूँ क्या? इस पर लिस बोलती है, हम दोस्त बन सकते हैं या नहीं, मैं बस आपसे यही जानना चाहती हूँ। जिस पर अलीसिया मन में कहती है, क्या क्या ये मुझसे नफरत नहीं करती? आखिरकार ये हीरोइन जो है और सब इसे पसंद करते हैं और ये प्रिंस के लिए सबसे सही है। इस पर लिस बोलती है, अलीसिया चैन। और अलीसिया कहती है, मुझे अभी भूख नहीं है, और ये बोल के यहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में ये गार्डन में बैठी हुई सोच रही होती है, मुझे हीरोइन से कंपेयर करना पागलपन होगा, आखिर मैं यहाँ एक विलन हंसूँ। इस पर गिल बोलता है, मुझे लगता है कि कभी कभी तुम कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी चिंता में आ जाती हो। इस पर अलीसिया बोलती है, शायद प्रिंस ड्यूक मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। इस पर गिल बोलता है, अब तुम ये क्या बोल रही हो? इस पर अलीसिया कहती है, आखिर मैं उनके सामने एक अच्छे विलेनस क्यों नहीं बन पाती? इस पर गिल बोलता है, शायद तुम्हें उनसे अभी के लिए दूर रहना चाहिए, फिर शायद तुम जान पाओ कि प्रिंस ड्यूक तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखते हैं। इस पर अलीसिया कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, समझे? ये तो ऐसा है जैसे मैं उनसे भाग रही हूँ, और एक विलेनस ऐसा कभी नहीं करती। इस पर गिल बोलता है, ओ समझ गया। इस पर अलीसिया खड़ी हो जाती है और गिल कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया? इस पर अलीसिया बोलती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अच्छे के लिए मैं वहाँ जा रही हूँ। और नेक्स्ट सीन में ये सभी खाना खा रहे होते हैं और लिस ड्यूक की तरफ देख रही होती है कि तभी ड्यूक ने कि खाना नहीं खाया होता। तभी यहाँ अलीसिया आके बोलती है, आपको देख के लगता है आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। इस पर ड्यूक बोलता है, क्या तुम यहाँ ये कहने आई हो? इस पर अलीसिया बोलती है, नहीं मैं बस ये कहने आई हूँ कि मैंने कभी भी आपको मेरी मदद के लिए नहीं कहा था, लेकिन हाँ मुझे ये अच्छा लगता है कि मुझे ये देख के खुशी भी होती है कि आपको मेरी इतनी चिंता है, और मैं आपसे मेरे वैसे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पर ये देख के सभी लोग चौंक जाते हैं और अलीसिया बोलती है, और मैं एक और चीज़ सबके सामने बोलना चाहती हूँ, आपको जो भी करना है सामने आगे किया कीजिए, आप हर चीज़ छिपके से क्यों करते हैं? इस पर ड्यू हंसता है और बोलता है, ओ ठीक है मैं समझ गया। इस पर तभी हम देखते हैं लिज अपनी पावर का यूज़ करती है और सभी लोग वहाँ पे स्माइल करने लग जाते हैं। और अब लिज आके बोलती है, ड्यूक हम म्यूज़िक फेस्टिवल को लेके कोई डिसीजन बिना तुम्हारी मर्ज़ी के नहीं ले सकते, हमें उसको लेके बात करनी होगी। इस पर अलीसिया बोलती है, रुको तुम हमारी मीटिंग के बीच में आ रही हो, समझी? इस पर ड्यूक बोलता है, वो मुझे माफ़ करना, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना होगा। और लिज बोलती है, अलीसिया चैन मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। इस पर अलीसिया बोलती है, हाँ बिल्कुल बाद में। और मन में कहती है, वो अब वो मुझे एक दुश्मन मानती है, बढ़िया यार। और अब खुद ही अकेले में हंसने लग जाती है। तभी एक लड़की पीछे से आके बोलती है, अलीसिया मुझे आपकी मदद चाहिए थी। इस पर अलीसिया बोलती है, क्या एक मदद? और वैसे तुम हो कौन और क्या पहले हम कभी मिले हैं? इस पर ये कहती है, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ आए। इस पर अलीसिया बोलती है, लेकिन क्यों? और ये कहती है, बस एक बार आ जाइए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। इस पर अलीसिया बोलती है, अगर तुम नहीं बताओगी कि किस लिए तो मेरी तरफ से ना है। तुम्हें क्या लगता है मैं बिना किसी कारण के ऐसे ही किसी की बात मान लूँगी? इस पर ये कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और अलीसिया बोलती है, क्लास शुरू होने वाली है और मैं जल्दी में हूँ, और यहाँ से जा रही होती है। तब ये कहती है, रुकिए। और
पर इसके हाथ से किताबें गिर जाती है। इस पर अलीसा अपने जादू से इसके किताबों को वापस इसके हाथ में दे देती है और कहती है कि तुम्हें अपनी किताबों का ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ से चली जाती है। इस पर गिल बोलता है आखिर वो किस बारे में बोल रही थी। इस पर अलीसा कहती है किसे पता, और जिस पर भी लड़की कहती है इतना काफ़ी था। और अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग गार्डन में बैठे होते हैं और अलीसिया यहाँ आती है और एल्बर्ट बोलता है तुम यहाँ, तुम्हें अब क्या चाहिए। हाँ तभी लिस खड़ी होकर बोलती है ओ अलीसिया डियर, मुझे खुशी हुई कि आप हम सबसे मिलने आई। इस पर अलीसिया बोलती है आखिरकार मुझे इन्विटेशन जो मिला था। जिस पर तभी जेन बोलती है मैं ही वो थी जिसने वो लेटर लिखा था। इस पर अलीसिया कहती है ओ तुम तो वही लड़की हो ना, मुझे यहाँ बुलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया जेन, क्या तुम फिर से अपीयरेंस के ऊपर बातचीत करना चाहती हो। इस पर जेन बोलती है मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूँ, क्योंकि तुमने मेरी प्यारी दोस्त मरीका को परेशान किया है। इस पर अलीसिया मन में कहती है तो ये वही लड़की है और ये इनका कोई प्लान है। कोई बात नहीं, एक विलेनस के तौर पर मैं इनका सामना ज़रूर करूँगी। इस पर जेन बोलती है जैसा कि आप सभी को पता है ये लड़की सबसे जलती है और ये बार बार मिस लिस को बेइज्जत करती है, और इसका ये प्लान कई बार इसी के ऊपर फेल हुआ है। इसका और मिस लिस का कोई मैच नहीं है और ये बात इसे भी पता है, लेकिन अब तो इसने हद कर दी। इसने यहाँ की सबसे नादान और मासूम लड़की मरीका को भी परेशान किया। इस पर अलीसिया बोलती है लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है, मैंने अभी तक इस लड़की से सिर्फ एक ही बार बात की है और इसने तो मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। इस पर जेन बोलती है इससे तुम नहीं बच सकती, हमारे पास सबूत है, और कहती है हे मरीका दिखाओ इन्हें। ऐसे मरीका इन सभी को एक छोटी सी मशीन से दिखाती है कि जो भी इनके बीच में बात हुई थी, पर इनकी बातों के बीच में इन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए होते हैं। इस पर अलीसिया बोलती है ओह तो उसने ये सब रिकॉर्ड किया था। और अब जेन कहती है इसने मरीका को कितनी बुरी चीज़ें कही है। इस पर सभी लोग अलीसिया पे गुस्सा हो जाते हैं और गिल कहता है रुको वो रिकॉर्डिंग झूठी है। इस पर अलीसिया कहती है रुक जाओ, और मन में कहती है तो उसने उस रिकॉर्डिंग को एडिट किया है अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके, और वैसे तो मेरी स्पेशलिटी वो नहीं है लेकिन मैं श्योर हूँ कि ये एक हाई लेवल स्पेल है। और हंसती है और मन में कहती है बढ़िया, ये लोग सच में अब मुझे एक विलनस बना रहे हैं। इस पर लिस बोलती है अलीसिया इस सब का क्या मतलब है, आप ऐसा किसी के साथ कैसे कर सकती है, और वो भी मरीका जैसी लड़की के साथ। इस पर अलीसिया बोलती है तुम सच में बहुत बेकार हो लिस। और सभी सारे प्रिंस इस पर गुस्सा हो जाते हैं, और ये प्रिंस बोलता है बस अब बहुत हुआ। और जेन कहती है अच्छा यही होगा कि तुम माफ़ी मांग लो अलीसिया विलियम्स। इस पर इससे पहले कि अलीसिया कुछ और बोलती ये लड़की वहाँ पे आके बोलती है रुक जाइए प्लीज़, ये सब सही नहीं है, ये सब मिस अलीसिया को बुरा दिखाने की बस एक चाल है। इस पर अलीसिया मन में कहती है मैं इससे पहले कभी नहीं मिली हूँ। इस पर जेन बोलती है कैरल कि तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें मरीका पे शक है। इस पर लड़की बोलती है लेकिन हमें दोनों साइड्स को पहले सुन लेना चाहिए। इस पर जेन बोलती है कि तुम्हारा मतलब मरीका कोई चाल चल रही है। हाँ इस पर ये कहती है नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। इस पर जेन बोलती है अगर ऐसी ही बात है। जिस पर तभी ये चौथी लड़की वहाँ पे आके बोलती है वो अगर आप सबको प्रूफ चाहिए तो मेरे पास कुछ है, और इसके पास भी वही मशीन होती है, और अब ये इन दोनों की असली बातों को सबको सुनाती है। और ये देख के सब चौंक जाते हैं, और ये प्रिंस जेन को कहते हैं इस सब का क्या मतलब है जेन, और जेन बोलती है वो मैं। और ये लड़की कहती है आखिर ये दोनों रिकॉर्डिंग सेम क्यों नहीं है सर, और इन दोनों में से कोई एक झूठ है। और मरीका कहती है मुझे जेन ने ऐसा करने को कहा था। इस पर जेन बोलती है हे तुम, और मरीका कहती है उसने कहा कि वो सभी को अलीसिया के ख़िलाफ़ करना चाहती है और मैं डर गई थी इसलिए मैं उसे ना नहीं कह पाई। इस पर ये प्रिंस कहता है तुमने लिस की टी पार्टी को ख़राब कर दिया जेन, तुम इतनी गिर जाओगी ये हमने सोचा नहीं था। इस पर जेन बोलती है लेकिन वो हमेशा लिस को बेइज्जत करती है उसका क्या, इसलिए मुझे लगा कि उसे सबक सिखाना ज़रूरी है। इस पर लिस कहती है अलीसिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और अलीसिया बोलती है नहीं ये मेरे और उसके बीच की बात है इसलिए मुझे तुमसे कोई माफ़ी नहीं चाहिए। इस पर लिस कहती है लेकिन जेन ने ये सब मेरे लिए किया। इस पर अलीसिया बोलती है हाँ ठीक है लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस पर लिस कहती है आपका शुक्रिया, और ये लड़की कहती है क्या अब बात ख़त्म हो गई है, तो चलो अलीसिया मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। जिस पर अलीसिया कहती है ठीक है मुझे भी तुमसे बहुत कुछ पूछना है। और अब ये तीनों यहाँ कैसल के अंदर आ जाते हैं, और अलीसिया बोलती है तो तुम आखिर हो कौन हा? और आखिर तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया, और उस वक्त तो तुम वहाँ शायद थी भी नहीं। इस पर ये कहती है ओ इतने सारे सवाल, तो सबसे पहले मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ अलीसिया, और इससे चिपकने लग जाती है। इस पर तभी ये बोलती है कि मुझे लिस से नफरत है, वो बस सबके बीच में अपनी नाक घुसाती है, वो कितनी बेकार है।
और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि उसके फॉलोअर्स नहीं हैं, लेकिन वो बस इसलिए चुप रहते हैं ताकि शांति रह सके। इस पर लिसिया मन में कहती है, मुझे लगता है उसकी सेंस क्वालिटीज़ का असर सारे लोगों के ऊपर नहीं होता, और अब ये फिर से इससे चिपकने लग जाती है। तब यार ड्यूक आके इसे पकड़ लेता है। इस पर लिसिया बोलती है, ओ ड्यूक। और ड्यूक कहता है, तुम्हें परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये है मेल और ये मेरी जासूस है। इस पर लिसिया कहती है, क्या जासूस? और अब मेल फिर से इससे चिपकने लग जाती है, और ड्यूक फिर से इसे पकड़ के बोलता है कि ये वैसे तो बहुत बोलती है, हाँ लेकिन जब बात अर्थ मैजिक की हो तो इससे अच्छा कोई नहीं है। इस पर मेल कहती है, देखो तुम अर्थ मैजिक से किसी की भी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकती हो, ऐसा कि तुमने पहले देखा था, और उससे तुम गायब भी हो सकती हो। इस पर ड्यूक बोलता है, मैंने इसे तुम पर नज़र रखने को कहा था, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी इसलिए मैंने ऐसा किया था, मैं तुम्हें अपने हाथों से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। इस पर लिसिया सुनकर शर्मा जाती है और बोलती है, ड्यूक। और गिल बोलता है, अब तुम दोनों अपनी ही दुनिया में मत खो जाना यार। और अलिसिया कहती है, वो मुझे कुछ काम था। और शर्मा के यहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों रोना गांव में आए होते हैं, और ये लड़की कहती है, वो अलिसिया और गिल। इस पर नेड बोलता है, ग्रैंडपा विल ने हम सबको यहाँ बुलाया है। इस पर अलिसिया बोलती है, क्या ये सब? और ये कहती है, ये हमारे विजिलेंट कॉप्स है जो कि हमारी फसल की रक्षा करते हैं। इस पर नेड बोलता है, और मैं हूँ इनका लीडर। तभी यहाँ पे ग्रैंडपा विल आके बोलते हैं कि यहाँ आने के लिए शुक्रिया अलिसिया और गिल, मुझे लगा अब तुम्हें यह सब बताने का सही समय है, रोना के फ्यूचर और मेरे बोरिंग पास्ट के बारे में। मैं करंट किंग ल्यूक सीकर का बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम है विल सीकर। इस पर यह सुनकर सब चौंक जाते हैं, और ये एपिसोड भी यही पे एंड हो जाता है मेरे यारो। तो प्यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।